चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर फॉफ ड्यूप्लेक्स के 86 और शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाजों के उपयोग योगदान से 3 विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जवाब में केकेआर को शुभम गिल 51 और वेंकटेश अय्यर 50 ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन उसकी टीम आखिरी में 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई थी। आपको बता दें, जैसे ही सीएसके की टीम ने खिताब जीता तो उस समय धोनी की वाइफ साक्षी दर्शक दीर्घा में जीत का जश्न मना रही थी। इसके थोड़ी देर बाद साक्षी मैदान पर आई और पति धोनी को गले लगा लिया। साक्षी के साथ जीवा भी अपने पापा धोनी को गले से लगकर जीत का जश्न मनाते नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस जमकर इस वीडियो को देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। आपको बता दें, जीत के बाद सभी खिलाड़ियों ने अपने परिवार के साथ फोटोज खिंचवाई, तो वहीं धोनी भी साथी खिलाड़ियों के परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। सीएसके ने चौथी बार खिताब जीत कर कमाल कर दिया। इसके पहले 2018 में सीएसके ने आईपीएल का खिताब जीता था। 2019 के सीजन में सीएसके फाइनल में पहुंचकर मुंबई इंडियंस से हार गई थी, तो वहीं दूसरी ओर 2020 में धोनी की टीम प्लेऑफ में भी पहुंच नहीं पाई थी। ऐसे में सीजन में टीम ने जबरदस्त वापसी की और ऐतिहासिक जीत हासिल कर कमाल कर दिया। फॉफ ड्यूप्लेक्स को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। ड्यूप्लेसी ने 86 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा गायकवाड ऑरेंज कैप जीतने में सफल रहे। ऋतुराज इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इसके अलावा केकेआर की टीम तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन टीम के बल्लेबाज कोई भी खास कमाल नहीं कर पाए। सीएसके ने पहले खेलते हुए 192 रन बनाए थे, जबकि जवाब में केकेआर 165 रन भी बना नहीं पाई। वेंकटेश अय्यर ने 50 और शुभम गिल ने 51 रन की पारी खेली। इसके अलावा दूसरे बल्लेबाज कोई खास चल नहीं पाए।